ये एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी दिनांक 16/1/2 को, अभी फरवरी में। श्रीनिवास राव हैं, इनकी पत्नी है, ये मूलतः केरल के रहने वाले थे। इनकी पत्नी बिना बताए कहीं चली गई थी, इस पे से गुमशुदगी दर्ज हुई थी। गुमशुदगी की जांच में ये पाया गया है कि गुमशुदा के खाते से कुछ पैसे दिल्ली ट्रांसफ़र हुए थे। साथ ही इसका CDR का लोकेशन भी दिल्ली का पाया गया था, वहाँ से इसको दस्तयाब किया गया है। जांच में ये चीज़ पाई गई है कि गुमशुदा से बातचीत करने वाला व्यक्ति, जिसका मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ है और उसका नाम पता पता किया, मोहसिन नाम है इसका, इसके द्वारा गुमशुदा से पैसे ट्रांसफ़र कराए गए हैं। मोहसिन को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की तो उसके मोबाइल में अन्य भी महिलाओं के साथ में इसी तरह का फ्रॉड करके पैसे अलग अलग नामों से अलग अलग उसमें ट्रांसफ़र कराया हुआ पाया गया है, जो कि अपराध धारा 419 420 का पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है। टोटल कितने आरोपी हैं? एक आरोपी है और ये मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है।